दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख जितनी तेजी से नजदीक आ रही है उतना बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग ने सियासी घमासान मचा दिया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने शुक्रवार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि उन्हें जनता पीट सकती है। इस बात को गंभीरता से लिया, गंभीरता से सुना और उन्होंने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम तो उन पर विश्वास कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था मानी जाती है। मुझे लगता है कि किसी भी दबाव में, केंद्र सरकार के दबाव में इलेक्शन कमीशन को नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा नेता जो मुखर होकर केंद्र सरकार के सामने उनकी आंखों में आंख डाल के बात करता है और उसकी हत्या की साजिश आज रची जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ तीन और नेताओं के खिलाफ आईपीसी एसएस पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज कराई। गुजरात विधानसभा के चुनाव में उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि वो अब अपनी साजिशों से ऊपर उठकर, अपने षड्यंत्रों से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। इन्होंने इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर, गाली गलौज करके खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है वह पूरी तरह से खुली धमकी है। दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मनोज तिवारी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बीजेपी पर सीएम की हत्या रचने का आरोप लगाया। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा बढ़ा सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। गौरतलब हो कि गुरुवार को बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि आप कार्यकर्ताओं में टिकट न मिलने पर बहुत ज्यादा नाराजगी है, कहीं केजरीवाल के साथ कुछ गलत न हो जाए, कोर्ट ही सजा दे तो ठीक है।